रिसेंटली भाई अमेजोन फ्लिपकार्ट की सेल एंड हुई है और मैंने ना अपने लिए अमेजोन एलेक्सा लिया है दो दो, क्योंकि इनकी प्राइस इतनी कम थी कि मैं रुक ही नहीं पाया। यह है अमेजोन एलेक्सा 4th Gen प्रीमियम साउंड वाला। इसकी जो रेगुलर प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़, पर यह मुझे ऑफर में सिर्फ 3,000 रुपीज़ का मिला है। और यह है अमेजोन एलेक्सा 4th Gen, इसकी जो नॉर्मल प्राइस है 4,500 रुपीज़, ये मुझे ऑफर में मिला है सिर्फ 2,000 रुपीज़ का। वैसे आपको बता दूं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट्स सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो इनमें कोई प्रॉब्लम पहले रही होगी, कंपनी ने इसको सही किया उसके बाद में इसको दोबारा से सेल कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई यूज़र इनको ऑर्डर किया हो और किसी रीजन से इनको फिर वापस कर दिया हो। तो ये रीफर्बिश्ड सर्टिफाइड कैटेगरीज के अंदर में आ गए, इस वजह से ऑफर में इनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गई। अब आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने लिए अमेजोन एलेक्सा लेने वाले हो और अगर आप सर्टिफाइड प्रोडक्ट लेते हो मेरी तरह, तो क्या आपको कोई डिफरेंस मिलेगा या फिर कोई कमी मिलती है। आज आपके साथ में ये सारी डिटेल प्रैक्टिकली शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर बॉक्स की बात करें तो जो अमेजोन एलेक्सा प्रीमियम साउंड है ये तो भाई अपने ओरिजिनल बॉक्स में आया। बाहर में एक कार्टून था, उस पर सिर्फ सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड मेंशन था, उसके अंदर में इसका एक्चुअल जो मेन बॉक्स है वो था और बॉक्स देख के लग ही नहीं रहा था कि ये पहले कोई यूज़ किया हो। पूरा ब्रांड न्यू कंडीशन में इसका बॉक्स है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेन डिवाइस रखी हुई है और उसके साथ में इसका चार्जर मिल जाता है 30 वाट का, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। अगर आपको क्लोजली एलेक्सा डिवाइस दिखा दूं तो ध्यान से आप देखिए, इसमें कोई मेजर माइनर स्क्रैचेस नहीं है, कोई डेंट नहीं है, कहीं से भी ये यूज्ड नहीं लग रहा है। इनिशियली तो भाई मुझे एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में ये लगा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आई। और जो दूसरा प्रोडक्ट है मेरा अमेजोन इको, ये बेसिकली एक नॉर्मल कार्टून में आया है, इसका ओरिजिनल बॉक्स नहीं है। और इसमें देखोगे तो ये मेन डिवाइस है और इसके साथ में इसका पावर अडेप्टर मिलता है 15 वाट का। अडेप्टर भी बिल्कुल नया है और अगर इसको भी क्लोजली दिखाऊं तो डिवाइस को देख सकते हो, ये भी ब्रांड न्यू कंडीशन में है, कोई स्क्रैचेस डेंट्स वगैरह नहीं है, डस्ट नहीं है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। तो इनिशियली जब मैंने दोनों प्रोडक्ट को देखा ना बॉक्स निकाल के, तो ये ब्रांड न्यू कंडीशन वाली फील दिलाए। अब थोड़ी बात करते हैं भाई कि इनकी साउंड क्वालिटी क्या ब्रांड न्यू जैसे है या फिर कोई दिक्कत आई कनेक्टिविटी करते टाइम पर। तो पहले बात करते हैं अमेजोन एलेक्सा 4th Gen प्रीमियम साउंड की। तो इसको जब मैंने इनिशियली कनेक्ट किया अपने फ़ोन के साथ में, इसको इंटरनेट से कनेक्ट किया, तो भाई एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ था, जैसे ब्रांड न्यू डिवाइस होती है सेम वैसे ही कनेक्ट हो गया और कोई दिक्कत नहीं आई। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादल छाए हैं और तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि भाई इसमें डॉल्बी ऑडियो वगैरह का सपोर्ट है तो साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। इनिशियली जब इसको कनेक्ट किया ना तो भाई लगा ही नहीं कि कोई पुराना प्रोडक्ट है या फिर सर्टिफाइड रीफर्बिश्ड प्रोडक्ट है, एकदम नया जैसा एक्सपीरियंस दिया। और अमेजोन एलेक्सा के बारे में आपको पता है, सवाल जवाब कर सकते हो, आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके बारे में। लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काम बिल्कुल नया जैसा ही कर रहा है, कोई दिक्कत अभी तक तो मुझे इसमें फेस करने को नहीं मिली है। लेकिन ये जो दूसरा एलेक्सा डॉट है ना, इसमें एक प्रॉब्लम है। ये तो कनेक्ट वगैरह सब कुछ सही हो गया पर इसकी जो साउंड क्वालिटी है ना थोड़ी सी फट रही है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। क्योंकि मैं सेम मॉडल पहले यूज़ किया था ब्रांड न्यू, उसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा सही थी, इसकी साउंड क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया है। ओवरऑल इसका भी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था, इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, आप जो पूछो उसका जवाब मिल रहा है। सिर्फ स्पीकर क्वालिटी इसकी थोड़ी सी मुझे ख़राब लग रही है, तो मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया है। कहीं बादल छाए हैं और तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं आफ्टर सेल सर्विस के बारे में, अगर आप रीफर्बिश्ड अमेजोन एलेक्सा अपने लिए लेते हो। देखो आप अपने लिए या तो ब्रांड न्यू एलेक्सा लो या फिर सर्टिफाइड एलेक्सा लो, दोनों ही केसेस में आपको 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है। 7 डेज के अंदर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपके डिवाइस में तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हो या फिर अपना रिफंड ले सकते हो। 7 डेज के बाद में ब्रांड न्यू और रिफर्बिश्ड दोनों ही एलेक्सा डिवाइसेस में 1 ईयर की अमेजोन की वारंटी मिलती है। यानी कि अगर 1 साल में कोई कमी आती है आपके डिवाइस में तो अमेजोन इसको रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट देगा। पर इसमें एक कंडीशन है, अगर आप ब्रांड न्यू एलेक्सा अपने लिए लेते हो तो जब आपको रिप्लेसमेंट मिलेगा तो ब्रांड न्यू ही एलेक्सा मिलेगा। लेकिन अगर आप एक रीफर्बिश्ड अगर एलेक्सा अपने लिए ऑर्डर किए हो और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है 1 साल के अंदर में, तो आपको एक रीफर्बिश्ड एलेक्सा ही दिया जाएगा। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा डिवाइस सही से काम करना चाहिए बस। तो यहाँ पर अगर देखो तो ये प्रोडक्ट 4,500 रुपीज़ का ब्रांड न्यू है, 2,000 रुपये का मिला है, वारंटी बिल्कुल नए प्रोडक्ट वाली ही मिल रही है, टेक्निकल सपोर्ट नया प्रोडक्ट वाला ही मिल रहा है। बस आपको यही ध्यान देना है, जब आपको प्रोडक्ट मिले तो उसका एक बार फिजिकल कंडीशन देख लो, स्पीकर वगैरह चेक कर लो, बाकी ये इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं तो कुछ उसमें देखने वाला है नहीं। सवाल जवाब करो, आपको उसका आंसर प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत आ रही है कनेक्टिविटी में, वो सारी चीज़ें चेक कर लो, बाकी आप इनको यूज़ कर सकते हो काफ़ी कम पैसे लगा के। एंड में भाई मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भी अमेजोन एलेक्सा लेना चाहते हो तो एक बार रीफर्बिश्ड को ट्राई कर लो, ऑफर्स में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है।
करंटली ये ब्रांड न्यू 10,000 रुपीज का है, अभी रिफर्बिश्ड ये 6,000 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन ऑफर में ये 3,000 रुपीज का मुझे मिला था। तो समझ रहे हो प्राइस ड्रॉप कितना हो गया, 3,000 में ना ये वन ऑफ द बेस्ट, आप इसको ब्लूटूथ स्पीकर भी बोल सकते हो। अगर आपको अलेक्सा ना यूज़ करना हो तो ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आप एक बार रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अमेज़न की जो मुझे वारंटी वाली चीज़ लगी ना, वो बिल्कुल नए वारंटी जैसा ही दे रहे हैं। तो आप नया लो पुराना लो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको भाई 1 ईयर की वारंटी मिल रही है नए और रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट में। बाकी भाई अगर आपकी और कोई कन्फ्यूजन क्वेरी हो रिफर्बिश्ड अमेज़न एलेक्सा को लेके, तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।